आप इत्मीनान रखिए, जैसे होगा सब बता दें। कुमार साहब आ रहे हैं। सर वो चुन्नी भाई बरजाटिया आए हुए हैं, जिन्होंने हमें 25 लाख रुपया डोनेशन दिया था। वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है ना, उन्होंने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो वो चाहते हैं कि प्लीज आप मिनिस्टर साहब से बात कर लें। गेट में द मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं कुमार बोल रहा हूं। सुना है आपने वो चुनीलाल बड़जात्या की लाइसेंस कैंसिल कर दिया? वो मेरे दोस्त हैं। जी। सो दैट्स दैट। आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। Hello. आपके लाइसेंस आपको कल ही मिल जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए फोन है सर। Yes. मिस्टर कुमार, तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालकर दान गिनने का बहुत शौक है ना, तो सुनो, कल तुम्हारा माल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे मैं तुम्हारी आंखों के सामने उड़ा कर ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो रोक लेना। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। सर शमसुद्दीन आ गया। देखो करोड़ों का सोना है, माल यहां हिफाजत से आ जाना चाहिए। हमारे आदमी परसों ना पुलिसमैन में होंगे। वाबोस क्या प्लानिंग है? स्मगलिंग, वो भी पुलिस की गाड़ी में? We'll be right back.
कालिया की वजह से मुझे आज जिंदगी में पहली बार ये दिन देखना पड़ा। कौन है वो? कौन है? पता चला है कि वो दोनों अवस्थी के आदमी हैं और वो उसी के लिए काम करते हैं। आप नहीं करेंगे। मुझे उन दोनों कुत्तों की लाशें चाहिए। अवस्थी के जीत की खुशी में उन दोनों कुत्तों की लाशें बतौर तोहफा मैं उसे पेश करूंगा जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है।